सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने जीमेल अकाउंट को या फिर दोस्तों ईमेल अकाउंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अभी अपने ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं या फिर दोस्तों टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे कि दोस्तों आप अभी अपने ईमेल आईडी को परमानेंटली भी डिलीट कर पाओगे, टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हो वो भी आप डिलीट कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ईमेल आईडी डिलीट करने का दो तरीका है। अगर दोस्तों आप अपने फोन से ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हो, यानी दोस्तों आप अपने मोबाइल से हटाना चाहते हो, तो दोस्तों वो टेम्पोररी आप हटा सकते हो, फिर चाहो तो दोबारा उसे आप लॉग इन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक होता है कि आप अपने ईमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट करोगे, जिसके बाद आप दोबारा कभी भी उस ईमेल आईडी को कहीं भी लॉगिन नहीं कर पाओगे। फोन से रिमूव करने के बाद दोस्तों उस ईमेल आईडी को कहीं भी लॉगिन कर पाओगे, फिर उसी फोन में लॉगिन कर पाओगे जिस फोन से आपने रिमूव किया था। लेकिन दोस्तों जब आप परमानेंटली ईमेल आईडी को डिलीट कर दोगे तो दोस्तों आप उसे कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। 24 घंटे के अंदर रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों उस ईमेल आईडी को आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप अपने ईमेल आईडी को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो या फिर दोस्तों टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हो, आप अपने फोन से रिमूव करना चाहते हो, दोनों वे आपको मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिक यह है कि अगर आप अपने फोन से ईमेल आईडी को रिमूव करना चाहते हैं, टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अपने मोबाइल में सेटिंग्स को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों यहां से आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है और दोस्तों यहां पे एक अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। सिंपली दोस्तों यहां अकाउंट्स एंड सेंस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस आपके फोन में जितने भी अकाउंट्स होंगे, जैसे कि दोस्तों फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट्स और दोस्तों कई सारे अकाउंट्स होते हैं, वो सभी आपके सामने शो हो जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है। देन गाइस यहां से आप देखोगे गूगल का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली दोस्तों यहां गूगल वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में जितने भी गूगल आईडी होंगे, यानी दोस्तों ईमेल आईडी होंगे, जीमेल अकाउंट होंगे, वो आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे। इसमें से जिस भी ईमेल आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी ईमेल आईडी को हटाना चाहते हैं, आप अपने फोन से टेम्पोररी हटाना चाहते हैं, टेम्पोररी डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली दोस्तों उस ईमेल पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। देन इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों नीचे आप देखोगे मोर का 3 डॉट का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे रिमूव अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली दोस्तों यहां जैसे ही रिमूव अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, देन गाइस आपके फोन से ये जो ईमेल आईडी है, गूगल अकाउंट है, ये रिमूव हो जाएगा और दोस्तों आप इसे जब भी चाहोगे लॉगिन फिर से दोबारा कर सकते हो या फिर किसी भी फोन में कर सकते हो, इसी फोन में कर सकते हो। अगर आप इस फोन से रिमूव करना चाहते हो दोबारा इसी फोन में कर सकते हो या फिर दोस्तों फिर दूसरे भी फोन में आप इसे लॉगिन कर सकते हो। एक बार रिमूव करने के बाद कई बार आप इसे लॉगिन कर सकते हो। बट गाइस अब बात आती है कि अगर आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, इस ईमेल आईडी को आप रखना ही नहीं चाहते हो, तो दोस्तों अब आप इसे कैसे करोगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली आपको अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लेना होगा। जीमेल एप्लीकेशन जो होता है उसे आपको ओपन कर लेना होगा। देन गाइस राइट कॉर्नर में आपको लोगो दिखेगा। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से उस ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस ईमेल आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उस ईमेल आईडी को आपको सिंपली यहां सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस फिर से आपको क्या करना है, यहां से आपको फिर से ऊपर आइकन जो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, सिंपली दोस्तों आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद गाइस सिंपली आपको क्या करना है, राइट आपको स्क्रॉल करते आना है। देन गाइस यहां डाटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है, सबसे नीचे आपके स्क्रॉल करते आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहां आप देखोगे सेकेंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट योर गूगल अकाउंट। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, जिस भी ईमेल आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी गूगल अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली दोस्तों उसका पासवर्ड आपको यहां डाल देना है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है, तो दोस्तों यहां फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड फॉरगेट करके आप पता कर सकते हैं कि आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहां आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। जिस भी अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी ईमेल आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, उसका पासवर्ड डाल करके सिंपली आपको यहां से नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं पासवर्ड इंटर यहां कर देता हूं।
सो गाइस जैसा ही आप पासवर्ड डाल करके आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। सो गाइस यहां आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने ईमेल आईडी को डिलीट करते हो उस ईमेल आईडी पर आपने जितने भी फोटो वीडियोज गूगल फोटोज में गूगल ड्राइव पर जितने भी आपने अपलोड किए हैं वो सभी डिलीट हो जाएंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों यहां डाउनलोड योर डाटा का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी फोटोज वीडियोज आपने अपलोड कर रखे हैं इस ईमेल आईडी पर, चाहे दोस्तों आप वो गूगल फोटोज पे अपलोड किए हो या गूगल ड्राइव पे अपलोड किए हो, सभी आपके इसी ईमेल पर अगर अपलोड होगा तो दोस्तों आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ईमेल आईडी को आप परमानेंटली तो डिलीट कर ही रहे हो, उसके बाद दोस्तों आपका जो ये ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी से अगर आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो यूट्यूब चैनल भी आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे गूगल कैलेंडर, गूगल कैलेंडर के साथ दोस्तों जो भी आपने यादें ऐड कर रखा है यानी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हो या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो उसे आपने ऐड ऑन कर रखा है आप अपने यादों के लिए, वो भी यहां से वो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है कि आपका यहां से डाटा डिलीट हो जाएगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल है वो भी डिलीट हो जाएगा, थर्ड दोस्तों अगर आपने गूगल कैलेंडर को ऐड ऑन कर रखा है वो भी आपका यहां से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस सभी बातों का अगर आपको ध्यान है, अगर आप श्योर हो गूगल अकाउंट को डिलीट करने के लिए, तब दोस्तों आपको क्या करना है, इन दोनों चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से दोस्तों आप डिलीट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे देन गाइस आपका जो गूगल अकाउंट है वो परमानेंटली यहां से डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों जब ये डिलीट हो जाएगा अगर आपको बाद में लगे कि इसे रिकवर करना चाहिए, मैं डिलीट गलती से ही कर लिया हूं, तो दोस्तों सिर्फ आप 24 घंटे के अंदर में ही आप इसे रिकवर कर सकते हो, 24 घंटे से ज्यादा हुआ तो दोस्तों आप दोबारा इस अकाउंट को आप रिकवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों फिलहाल मुझे गूगल अकाउंट डिलीट नहीं करना है इसलिए दोस्तों मैं अभी यहां से डिलीट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको भी अपना ईमेल आईडी परमानेंटली डिलीट करना है, गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है या फिर टेंपरेरी डिलीट करना है, तो दोस्तों मैंने जो भी ट्रिक बताया है, जो भी मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके को फॉलो करके आसानी से आप अपने गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली और टेंपरेरी। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको यहां दिख रहा होगा, सिंपली दोस्तों वो सर्च करके डायरेक्टली आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।